नमस्कार, मैं हूं सुदीप राजपूत और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आज हम बात करेंगे क्रिकेट की पाठशाला का। ग्रुप ए से पाकिस्तान ने पहले स्थान पर और भारत ने दूसरे स्थान पर रहते हुए सुपर फोर के लिए क्वालिफाई किया। जी हां, भारत और पाकिस्तान एक बार फिर यानी कि 10 सितंबर को भिड़ेंगे। यह मैच कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। आपको बता दें कि भारत ने एशिया कप 2023 के अपने दूसरे मैच में नेपाल को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी। बारिश से बाधित यह मैच श्रीलंका के पल्लेकल स्टेडियम में खेला गया था। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। नेपाल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 48.2 ओवर में 230 रन बनाए। इसके बाद बारिश की वजह से काफ़ी देर तक खेल रुका रहा, लेकिन बारिश रुकते ही एक बार फिर से खेल शुरू हुआ और डकवर्थ लुईस नियम के तहत टीम इंडिया को 23 ओवर में 145 रन का लक्ष्य मिला। जवाब में भारत ने 20.1 ओवर में 10 विकेट से जीत हासिल की। कप्तान रोहित शर्मा के तूफानी पारी खेलते हुए महज 59 गेंद में 5 छक्के और 4 चौके की मदद से 74 रन बनाए, तो वहीं सुमन गिल ने 67 रन बनाकर नाबाद रहे। इस जीत के साथ टीम इंडिया सुपर फोर में पहुंच गई। वहीं नेपाल की टीम एशिया कप से बाहर हो गई। अब हम बात करते हैं नेपाल की पारी का। दरअसल नेपाल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 230 रन बनाए। इस नौसिखिया टीम को ऑल आउट करने में भारत को 48.2 ओवर लग गए थे। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने नेपाल की टीम को 24 ओवर के अंदर समेट दिया था। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कुशल भुरतेल और आसिफ शेख ने नेपाल की टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। भारतीय टीम की फील्डिंग बेहद निराशजनक रही। दरअसल शुरुआती कुछ ओवरों में श्रेयस अय्यर, विराट कोहली और ईशान किशन ने 3 आसान कैच छोड़े। आप ये कह सकते हैं कि 3 आसान मौके गंवाए। इसका नेपाल के दोनों ओपनरों ने जमकर फायदा उठाया। कुशल और आसिफ ने पहले विकेट के लिए शानदार 65 रन जोड़े। इस साझेदारी को शार्दुल ठाकुर ने तोड़ा। उन्होंने कुशल को विकेट कीपर ईशान के हाथों कैच करवाया। वहीं कुशल 25 गेंद में 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 38 रन बना सके। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने भीम सारकी को 7 रन, कप्तान रोहित पौडेल 5 रन और कुशल मल्ला को 2 रनों पर पवेलियन भेजा। इसके बाद आसिफ ने गुलशन झा के साथ 31 रन की साझेदारी निभाई। इस बीच आसिफ ने अर्धशतक पूरा किया। आसिफ ने 97 गेंदों पर 8 चौके की मदद से 58 रन की जुझारी पारी खेलते हुए सिराज की गेंद पर कैच आउट हुए। गुलशन भी सिराज ने विकेट कीपर ईशान किशन के हाथों कैच करवाया। इसके बाद दीपेंद्र सिंह एरी और सोमपाल कामी ने 7वें विकेट के लिए 50 रन की साझेदारी निभाई। आपको बता दें कि दीपेंद्र को हार्दिक ने LBW किया। दीपेंद्र ने 35 गेंदों में 3 चौके की मदद से 29 रन बनाने में कामयाब रहे। सोमपाल ने दूसरे छोर से रन बनाना जारी रखा और कुछ शानदार शॉट्स लगाए। आपको बता दें कि सोमपाल ने 56 गेंदों में 1 चौके और 2 छक्कों की मदद से 48 रन बनाकर आउट हुए। वहीं संदीप लमचा ने 9 रन बनाने में कामयाब रहे। सिराज ने ललित राजवंशी को बोल्ड कर नेपाल की पारी को 230 रनों पर समेट दिया। सिराज और जडेजा ने 3-3 विकेट लिए। इसके अलावा समी हार्दिक और शार्दुल ठाकुर को 1-1 विकेट मिला। सिराज ने 3 विकेट जरूर लिए, लेकिन उन्होंने 9.2 ओवर में 61 रन लुटाए। शार्दुल को 4 ओवर में 26 रन पड़े। चलिए अब आपको आगे बताते हैं कि दोनों ग्रुप का हाल क्या है। ग्रुप ए से पाकिस्तान ने पहले स्थान पर और भारत ने दूसरे स्थान पर रहते हुए सुपर फोर के लिए क्वालिफाई किया। वहीं ग्रुप बी में श्रीलंका और बांग्लादेश ने सुपर फोर के लिए क्वालिफाई किया। आपको बताते चलें कि कल श्रीलंका और अफगानिस्तान के मैच में श्रीलंका ने एक अब तक हुई एशिया कप में सबसे रोमांचक जीत हासिल की, जिसके चलते श्रीलंकाई टीम सुपर फोर में पहुंचने में कामयाब रही। वहीं अफगानिस्तान का एशिया कप का सफर खत्म हुआ। अगर वीडियो हमारा ये आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।